हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो सारे सारे? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो जैसे कि तुम लोग जानते हो कि वुडन वेव्स बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है एंड उस गेम में 5 करेक्टर्स हमें फ्री में मिलने वाले हैं। पहला जो करेक्टर है वो है रोवर, जो हमारा मेल और फीमेल करेक्टर है, मेन एमसी। उसके बाद हमें मिलेगी एक एरो करेक्टर यांग यांग, जो कि सॉर्ड यूजर है और विंड डैमेज डील करती है। उसके साथ साथ हमें चीशा, जो फ्यूजन डैमेज फायर डैमेज डील करती है पिस्टल में। और हमें 5 दिन लॉगिंग करने के बाद हमें मिलेगी शनहुआ, सॉर्ड यूजर, जो कि ग्लेशियो का डैमेज डील करती है, जो है आइस। एंड बायजी रेक्टिफायर जो है वो है एक सपोर्ट हीलर, जो कि ग्लेशियर डैमेज डील करती है। और लास्ट में एक इवेंट कंप्लीट करने पे आपको मिलेगा यॉन व्यू, जो कि एक इलेक्ट्रो डैमेज डीलर है। तो इन्हीं 5 करेक्टर्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा करेक्टर सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अभी तक मैंने खुद ट्राई नहीं किया है, मैंने सिर्फ इन करेक्टर्स की किट पढ़ी है। और किट पढ़ने के बाद मेरे को जितना समझ में आया है और जितना मेरा गाचा एक्सपीरियंस रहा है, उस हिसाब से मैं आपको एडवाइस देने वाला हूँ। तो इट्स टोटली अप टू यू, अगर आपको फॉलो करना है तो आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये चीज मैं तो फॉलो करूंगा ही करूंगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स जंप इनटू इट एंड टॉक अबाउट व्हिच 4 स्टार फ्री करेक्टर यू शुड बिल्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं यांग यांग की, जो कि एक सॉर्ड यूजर है और डील करती है एरो डैमेज, जो कि है विंड डैमेज। इसकी स्किल और इसकी अल्टीमेट काफी सिंपल है। इसकी अल्टीमेट में एक साइक्लोन डैमेज देती है, जिससे एनिमी सारे इकट्ठे हो जाते हैं और डील करती है एरो डैमेज। स्किल भी इसका काइंड ऑफ सिमिलर है, उसमें ये वोर्टेक्स क्रिएट करती है और डील करती है एरो डैमेज नियर बाय अपोनेंट्स। बात करते हैं इसके इंट्रो और आउट्रो स्किल की, तो काफी सिंपल है। जैसे ये फील्ड पे आएगी डील करेगी एरो डैमेज टू द अपोनेंट। एंड आउट्रो स्किल में जो भी करेक्टर इसके बाद आएगा उसकी एनर्जी जनरेशन बढ़ जाएगी 5 सेकंड्स के लिए। मगर यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह कि एरो डैमेज बोनस मिलता है इसको इसके पैसिव से 8% फॉर 8 सेकंड्स आफ्टर कास्टिंग स्किल। उसके साथ साथ इसका स्टैमिना कॉस्ट 30% रिकवर हो जाता है जब भी आप मिड एयर डैमेज डील करोगे। तो इस तरीके से आप काफी अच्छा एयर कॉम्पैक्ट भी कर सकते हो विद अ लो कॉस्ट ऑफ स्टैमिना। बात करूं इसके रेजोनेंस चेन की, जिसको हम कॉन्स्टेलेशन के नाम से जानते हैं गेंशन में, तो इसलिए मैं कॉन्स्टेलेशन ही बोलूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो इसका कॉन्स्टेलेशन काफी ज्यादा अच्छे हैं, इसका C1 काफी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि उसमें इंट्रो स्किल पे इसका इंक्रीज होता है एरो डैमेज बोनस 15% 8 सेकंड्स के लिए। तो जब भी आप स्विच करोगे किसी और करेक्टर से इसके ऊपर यांग यांग पे, तब आपको एरो डैमेज बोनस मिलेगा 15% 8 सेकंड्स के लिए। C3 में जो उसका स्किल डैमेज बोनस है वो इंक्रीज हो जाएगा 40% तक, और उसी के साथ साथ पुलिंग इफेक्ट जो है वो अपोनेंट्स को वो भी बढ़ जाएगा और उसका रेंज भी एक्सपेंड हो जाएगा 33%। तो ये काफी अच्छी DPS है जिसे आप कंसीडर कर सकते हो अगर आपको इसका प्लेस्टाइल पसंद आता है। तो अब बात करते हैं चीशा की, तो चीशा एक फ्यूजन डैमेज डीलर है जो कि पिस्टल से डैमेज डील करती है अपोनेंट्स को। इसकी स्किल काफी सिंपल है, जैसे आप इसकी स्किल अंडर रिलीज करोगे तो ये 2 शॉट डील करेगी फ्यूजन डैमेज के, और अल्टीमेट में फास्ट शॉट्स डील करेगी नियर बाय अपोनेंट्स को, डील करेगी फ्यूजन डैमेज। मगर यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज आती है इसका फोर्टे सर्किट, जिसमें एक इफेक्ट है डाका डाका, जिसमें ये एंटर करती है जैसे आप इसकी स्किल को होल्ड करोगे। जब इसका फोर्टे बार पूरा हो जाएगा तो उसमें जो बुलेट्स ये शूट करती है, जिसका नाम है थर्मोबैरिक बुलेट्स, जिसका डैमेज काफी ज्यादा हाई देखने को आपको मिलेगा। 30 बुलेट्स उसमें ये फायर कर सकती है और वो कंसिडर किया जाएगा एज अ बेसिक अटैक में। तो उसका डैमेज काफी बढ़िया देखने को मिल सकता है, बट ये एक रेंज करेक्टर है तो मे बी इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, प्लस इसकी एनर्जी कॉस्ट भी काफी ज्यादा हाई है। बात करो इसके इंट्रो और आउट्रो स्किल की, तो इंट्रो स्किल काफी ज्यादा सिंपल है, जैसे आप इसको फील्ड पे लेके आओगे ये रैपिड फायर करेगी पिस्टल से, डील करेगी फ्यूजन डैमेज। और आउटर स्किल में ये शॉक वेव डील करेगी डैमेज डिपेंड ऑन द अटैक जो कि इसके पास होगा, मगर ये डैमेज होगा विद इन द रेंज होगा। बात करते हैं इसके पैसिव की, तो इसके पैसिव में भी इसको बफ मिलेगा, इसके बुलेट्स को बफ मिलेगा जो कि ये इस्तेमाल करने वाली थी फोर्टे सर्किट में, थर्मोबॉलिक बुलेट्स। वो इंक्रीज हो जाएगा 10 राउंड्स, प्लस उसको एज अ कंसिडर किया जाएगा स्किल डैमेज में, तो वो इंक्रीज हो जाएगा 50%। और सेकंड पैसिव भी उसी बुलेट्स को बफ देता है, जिसमें है अटैक का बफ 1% फॉर 10 सेकंड अप टू 30 टाइम्स। तो ये काफी अच्छी DPS लग रही है, बट इसका मैक्सिमम डैमेज जो आ रहा है वो उसके फोर्टे सर्किट से आ रहा है। बाकी एक्चुअल में ये करेक्टर कितना अच्छा होगा ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। इस करेक्टर को लेकर मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ इसकी किट को लेकर, क्योंकि इसकी किट में काफी अच्छे नंबर्स तो दिख रहे हैं, बट वो कितना अच्छा परफॉर्म करता है एज अ पिस्टल यूजर ये मुझे मालूम नहीं है। बात करूं उसके कॉन्स्टेलेशंस की, जिसका नाम है रेजोनेंस चेन का, तो उसमें भी कुछ अच्छे कॉन्स्टेलेशन नहीं है, काफी एवरेज कॉन्स्टेलेशन है एज कम्पेयर टू बाकी अदर 4 स्टार के। अब बात करते हैं शनहुआ की, जो कि एक 4 स्टार सॉर्ड यूजर है और डील करती है ग्लेशियर डैमेज, जो कि है आइस डैमेज। जैसे आप इसकी स्किल इस्तेमाल करोगे ये क्रिएट करेगी 1 आइस प्रिज्म क्रॉस द ग्राउंड एंड डील करेगा वो डैमेज ग्लेशियर का। उसी के साथ साथ अल्टीमेट रिलीज करने पे ये डील करेगी ग्लेशियर डैमेज एंड क्रिएट करेगी 1 ग्लेशियर। अब सवाल आता है जो ये स्किल में और अल्टीमेट में 1 आइस प्रिज्म और 1 ग्लेशियर जो क्रिएट कर रही है अपोनेंट्स पे वो क्या है। तो जैसे ही आप इसका हैवी अटैक डैमेज डील करोगे अपोनेंट्स को, ये डेटोनेट करेगी ऑल दीज थिंग्स को, जो होगा आइस प्रिज्म एंड ग्लेशियर्स एंड आइस थॉर्न्स। तो इन चीजों को ये डेटोनेट करेगी विद इन हर अटैक रेंज एंड डील करेगी ग्लेशियर डैमेज। शनहुआ का जो इंट्रो स्किल है उसमें क्रिएट करेगी 1 आइस थॉर्न और उसी के साथ डील करेगी ग्लेशियर डैमेज। और इसका आउटर स्किल में जैसे नेक्स्ट क्रिएटर जो फील्ड पे आएगा इसके बाद के बेसिक अटैक डैमेज इंक्रीज रहेंगे 38%। तो इस तरीके से आउटर स्किल और इंट्रो स्किल इसकी काम करेगी। इस करेक्टर का जो इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगा है वो इसके लगे हैं पैसिव स्किल्स, क्योंकि उसमें काफी अमाउंट ऑफ डैमेज इंक्रीज है इसका स्किल का 20% 8 सेकंड्स के लिए जब भी आप इसका इंट्रो स्किल इस्तेमाल करोगे। तो काफी सिंपल एंड इजी किट है, मोस्टली बेसिक अटैक डैमेज डीलर है ये, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। प्लस इसके कॉन्स्टेशन भी इसका डैमेज और इम्प्रूव करते हैं। पहला कॉन्स्टेशन में आपको क्रिएट रेट मिलेगा 15% इंक्रीज इसके बेसिक अटैक में, और दूसरे में इसका जो चार्ज
हार्ट अटैक था डेटोनेट कर रही थी जिससे, उसमें रिड्यूस हो जाएगा 10% स्टेमिना कॉस्ट, और इसका जो C3 है उसमें डैमेज इंक्रीज करेगी 35% अगेंस्ट उन अपोनेंट्स के जिनका 70% से लो एचपी है। तो ये बहुत ही इजी है, प्लस इसके ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूशन काफी बढ़िया है जो कि इसका डैमेज इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं जनुआ 4-स्टार इलेक्ट्रो कैरेक्टर की, जो कि वेपन इस्तेमाल करता है गॉन्टलेट। ये वेपन होते हैं हैंड कॉम्बैट के लिए। ये कैरेक्टर मोस्टली डिफेंस पे स्किल करता है और इसकी किट मोस्टली सपोर्टिव है एंड कोऑर्डिनेट अटैक करती है, जो कि ये बिना फील्ड पे रहकर डैमेज डील कर सकता है, क्योंकि ये सम्मन करता है एक चीज को जिसका नाम है थंडर वेज। उसी के साथ साथ इसकी अल्टीमेट और इसका फोर्टेट सर्किट भी डैमेज डील करता है, और वो कंसिडर किया जाता है डैमेज एज अ रेजोनेंस स्किल डैमेज। ये जो कोऑर्डिनेट अटैक करता है एवरी 1.2 सेकंड्स के बाद ट्रिगर होता है, और इसकी अल्टीमेट ऑल पार्टी मेंबर्स को एक एंटी इंटरप्शन देती है जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है। इससे आपको इंटरप्शन नहीं होना चाहिए और आप काफी अच्छा डैमेज डील कर सकते हो। अल्टीमेट इस्तेमाल करने का ग्योन वो के भी नॉर्मल अटैक्स करें जो हैवी अटैक का स्पीड इंक्रीज हो जाता है, उसी के साथ डॉज अटैक स्पीड भी इंक्रीज हो जाता है। मोस्टली इसकी किट सपोर्टिव के लिए, सब डीपीएस डैमेज के लिए और सपोर्टिव के लिए ही बनी है। इसके जो कॉन्स्ट्रेशन है मोस्टली फोकस किया गया है एनर्जी पे, कोऑर्डिनेट अटैक इसका इंक्रीज करने पे, और इसका बेसिक और हैवी अटैक डैमेज इंक्रीज करने पे। अब बात करते हैं बाईजी की, जो कि एक हीलर है, सपोर्ट करेक्टर और रेक्टिफायर वेपन यूज करती है। इसके सिवा और कोई आपके पास ऑप्शन है भी नहीं, तो हीलर में आपको यही चाहिए होगा, आप यही बिल्ड कर सकते हो राइट नाउ। अदरवाइज 5-स्टार के लिए आप जा सकते हो वरीना के लिए, तो या तो आप ये कर सकते हो या फिर वरीना के लिए ट्राई कर सकते हो। तो ऑप्शन ना होने की वजह से यही करेक्टर है जो कि आपको अपनी टीम में रखना पड़ेगा अगर आपको हीलर की जरूरत है तो। बाकी बाईजी भी आपका अटैक बूस्ट कर सकती है। इसके पैसिव स्किल में एक इफेक्ट है जिसका नाम है इफोनिया, जिसको पिक करने से आपका एक पर्टिकुलर रेजोनेटर का अटैक इंक्रीज होगा 15% 20 सेकंड्स के लिए। तो कहीं ना कहीं बुरा नहीं है, काफी अच्छा है, बट क्या करें, ऑप्शन और कोई है नहीं। या तो 5-स्टार वरीना पिक करो अगर आपको हीलर चाहिए, या फिर 4-स्टार बाईजी। अब बात करते हैं गेम के सबसे बेस्ट करेक्टर की, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और वो है आपका मेन करेक्टर MC रोवर। ये करेक्टर एक सॉर्ड यूजर है जो कि आपको स्पेक्ट्रो डैमेज डील करेगा, जो कि एक तरीके से है लाइट डैमेज। सबसे अच्छी बात क्या है इसके किट की, इसको काफी अच्छा डैमेज दिया गया है, इसका परसेंटेज काफी बढ़िया है। इसके पैसिव काफी ज्यादा यूजफुल है। एक पैसिव इसका स्किल डैमेज 60% तक इंक्रीज कर देता है, दूसरा पैसिव इसको अटैक परसेंट बूस्ट देता है 5 सेकंड्स के लिए, जो कि हैवी अटैक यूज करने के बाद एक्टिवेट होता है। एंड उसके साथ साथ इसके कॉन्स्ट्रेशन जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, उसमें 20% इंक्रीज है, स्पेक्ट्रो डैमेज बोनस मिलेगा आपको, एंड एनर्जी जनरेशन मिलेगा आपको C3 में। C1 में क्रिट रेट इंक्रीज होता है और C5 में आपका अल्टीमेट डैमेज 40% तक इंक्रीज होता है। तो सारे के सारे कॉन्स्टेलेशन इसके यूजफुल है। उसी के साथ साथ C6 का जो लास्ट कॉन्स्टेलेशन है इसका, उससे स्पेक्ट्रो रेस रिड्यूस हो जाता है टारगेट का, जिससे आप ज्यादा डैमेज डील कर सकते हो। तो एक काफी अच्छा ऐसा MC मेन करेक्टर है जो कि आप बिल्ड कर सकते हो एज अ डैमेज डीलिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा यही करेक्टर जिसपे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके फ्यूचर में जाके आपको डिफरेंट एलिमेंट भी मिलेंगे और ये काफी प्रॉमिसिंग और काफी सॉलिड है एज कम्पेयर टू बाकी अदर राइट नाउ जो फ्री है। उसके बाद अगर आप चाहो तो सनहुआ के लिए जा सकते हो, जो कि काफी अच्छी DPS मुझे लग रही है, प्रॉमिसिंग। और इसके बाद यांग के लिए आप जा सकते हो, एंड लास्ट में आपको बोलूंगा सब DPS के लिए योनफू या फिर चीशा इस्तेमाल कर सकते हो विद सपोर्ट बाईजी। तो ये है मेरा पर्सनल ओपिनियन जो कि मैंने तुम लोगों को बता दिया। अगर तुम्हें ट्राई करना है तो तुम कर सकते हो, बाकी मैं तो ट्राई करने वाला हूं अपनी लाइव स्ट्रीम पे। तो आई होप तुम्हें इस वीडियो से काफी हेल्प हुई होगी। अगर वीडियो पे नए हो तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड पीस।